गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री हमारा टॉपिक चल रहा है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। हमने कल देखा कि वुमेन्स कैसे क्या क्या पढ़ा हमने। कास्टस डू सोशल रिफॉर्म्स, कास्टस में सोशल रिफॉर्म्स कहते हैं। सोशलिज्म क्रिटिसाइज कास्ट इनइक्वालिटी, को सोशल रिफॉर्म जो कास्ट इनइक्वालिटी को रिफॉर्म करती, क्रिटिसाइज करती थी कि परमास मंडलास आर फाउंड इन द 1840 इन बॉम्बे टू वर्क फॉर एबॉल्शन ऑफ कास्ट, अबॉल्श कास्ट को, क्योंकि वो अपर कास्ट लोअर कास्ट शूद्रा शूद्रा वो कास्ट सिस्टम को वो ख़त्म करना चाहते, वो रिफॉर्म कहते, क्रिटिसाइज कहते ये कास्ट सिस्टम अच्छा नहीं, इंसान हर कोई एक जैसा है, ये कास्ट सिस्टम के हिसाब से हम इंसानों को ट्रीट नहीं करना चाहिए। क्रिश्चियनिटीज मिशनरीज बिगिन सेटिंग अप ऑफ स्कूल्स फॉर द ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन, जो क्रिश्चन थे मिशनरी स्कूल क्रिश्चन थे उन्होंने अलग अलग स्कूल्स खोले ट्राइबल ग्रुप्स में कि लोअर कास्ट चिल्ड्रंस को पढ़ाने के लिए। डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, डिमांड बढ़ने लगी, इक्वलिटी हमें चाहिए और जस्टिस सबको एक जैसे इंसाफ मिलना चाहिए। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी पीपल फ्रॉम विद इन द लोअर कास्ट बिगिन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट्स अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन डिमांड सोशल इक्वलिटी एंड जस्टिस, जो डिमांड बढ़ाने गई सेकंड हाफ 19th सेंचुरी में, के लोगों ने, के लोअर कास्ट के लोगों ने उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उनके अपने मूवमेंट्स बनाए, उन्होंने उसके खिलाफ उन्हें प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया कि हमें इक्वलिटी और जस्टिस मिलना चाहिए। द सत्यनामा मूवमेंट जी सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंड बाय द गैशदास हु कम अप इन द लोअर कास्ट, उन लोअर कास्ट के लिए उन्होंने वह सत्यनामा मूवमेंट उन्हें शुरू कर दिया। इन ईस्टर्न बंगाली हरदास ठाकुर मतुआ सेक्टर वर्कर अमंग लो कास्ट चंदला कल्टिवेटर्स, उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स वो बनाए। हरदास क्वेश्चन ब्राह्मणास टैक्स दैट सपोर्ट टू द कास्ट, उन्होंने ब्राह्मणास को क्वेश्चन किए कि वो कास्ट सिस्टम को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। गुलमर्गिरी ज्योतिपुला वॉज बॉर्न इन 1825 वॉज नोन एज वन ऑफ द लो कास्ट लीडर, जो ज्योति वो लो कास्ट लीडर थी जो 1827 में वो बॉर्न हुई थी। ही अटैक्ड द ब्राह्मणास, उन्होंने ब्राह्मण को अटैक करने लगे, उसको क्रिटिसाइज करने लगे, क्लेम दैट दे वेयर सुपीरियर टू द अदर सिंस दे वेयर आर्यनस, कि उनको सुपीरियर इसलिए कि वो आर्यन से। अकॉर्डिंग टू पुलावा द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर, तो उनको कोई अपर राइट नहीं है पावर को करने के लिए। द लैंड बिलोंग टू द इंडिविजुअल पीपल हु वर कॉल्ड एज लो कास्ट, लैंड उनकी होनी चाहिए जो लो कास्ट होते हैं जो उन पर वो काम करते हैं। पुली प्रपोज्ड दैट शूद्रास एंड अति शूद्रास शुड यूनाइट टू चेंज कास्ट सिस्टम, उन्होंने कहा, पुलू ने वो डिमांड करने लगी कि जो शूद्रास हैं वो अति शूद्रास हैं उनको एक साथ जुड़ बनाना चाहिए ताकि डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उनको वो आवाज़ उठा सके। द सत्यशुदकता समाज वॉज फाउंड बाय पुली टू प्रोपोगेट कास्ट इक्वालिटी, उन्हें पास प्रॉपर्ट इक्वालिटी के लिए वो अपना वो समाज सदक बनाया। इन 20th सेंचुरी द मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म्स वॉज कंटिन्यूड बाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो 20th सेंचुरी में ये कास्ट सिस्टम के रिफॉर्म्स के लिए आगे बढ़ते गए और उसका वो लीडर कम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड ए वी रामाकृष्णा नेकर, उसने वो उसके अलग अलग वो बना दिए। हु कुड एंटर टेम्पल्स, टेम्पल्स में कौन आ सकता है। अम्बेडकर वॉज बॉर्न इन टू अ महर फैमिली एज अ चिल्ड्रन एक्सपर्ट वट कास्ट प्रेजुडिस मेंट इन एवरीबॉडी इज लाइफ एवरी डेज लाइफ, उनके उनको मंदिर में नहीं घुसा जाता था, उनका अलग पानी के लिए कुएं थे अलग, वो सारा उनको आम लोगों के साथ उनको रहना पहना नहीं होता था। इन 27 अम्बेडकर स्टार्टेड टेम्पल मूवमेंट एंट्री, उन 20th सेंचुरी में उन्होंने वो कहा कि हाँ इंसान भी, हम जैसे शूद्रस भी मंदिर जा सकते। हिज एम वॉज टू मेक एवरी वन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडिस विद इन द सोसाइटी, उनका मेन था कि हर एक को वो देखना चाहिए कि कास्ट सिस्टम का वो क्या है। द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट उन्होंने वो स्टार्ट किया, वो हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।